हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाइप हेल्प में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आपके ही फोन में कुछ इस प्रकार का कॉलम वगैरह आ रहा है तो आप लोग कैसे उसे हटा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे में ये कुछ इस प्रकार का कॉलम आ रहा है जो कि हमें हटाना है, तो इसलिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद अगर हम न्यू पेज ले रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, तो हम यहाँ पे सेव रहने देते हैं और देखते हैं कि ये हटता है कि नहीं। ये देखिए, ये हटा नहीं बल्कि कुछ और ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पे कट क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे वापस से फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद हम न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर हम इसे डोंट सेव करते हैं तो भी ये नहीं हट पा रहा है। इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे होम दिख रहा होगा, होम के बगल में भी एक व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जूम इन दिख रहा होगा, उसी के बगल में आपको जूम आउट भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप 100% जैसा भी कुछ देख पा रहे होंगे, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रूलर दिखा होगा, ग्राइंड्स लिखा होगा, स्टेटस बार लिखा होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, ग्राइंड्स का ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो ऑप्शन होगा कॉलम वाला वो हट जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो कॉलम वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे से हट चुका है। मैं यहाँ पे छोटा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कॉलम हट चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।